नगर निगम के टैंकर ड्राइवर विशाल शर्मा की बीती रात मोहल्ला जलेसर रोड पर टैंकर से दबने से दुखद मृत्यु। कर्मचारियों ने की जलकल में हड़ताल, कोई भी वाहन नहीं निकला। मृतक के परिजनों को बतौर सहानुभूति 20 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी की मांग। कहा, सुनवाई न होने पर हो सकता है कल कर दे पूरे शहर की सफाई व्यवस्था बंद। सूचना पर सदर विधायक फिरोजाबाद मनीष असीजा पहुंचे मौके पर। फिरोजाबाद बीती रात नगर निगम के टैंकर ड्राइवर की टैंकर से दबने पर हुई मौत को लेकर सफाई कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा जलकल में हड़ताल पर बैठ गया। इस दौरान मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए बतौर सहानुभूति मदद और सरकारी नौकरी की मांग की। हड़ताल में बैठे सफाई कर्मचारियों के नेता विनय बाल्मीकि और योगेश शरण ने कहा कि नगर निगम के कई वाहन कंडम हालत में है, जिन्हें कई बार अवगत कराया गया, कोई सुधार नहीं हुआ। लापरवाही के चलते हमारे एक साथी की जान चली गई। मृतक के परिजनों को बतसुर सहानुभूति 20 लाख मौके पर व सरकारी नौकरी की मांग की। मौके पर अपर नगर आयुक्त ने समझाने का प्रयास किया पर कोई नहीं माना, बल्कि ये तक कहा गया अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हो सकता है कल पूरे शहर की सफाई व्यवस्था बंद कर दें। जानकारी होते ही नगर विधायक मनीष असीजा मौके पर पहुंच गए, सारी बात सुनकर समझाने का प्रयास करते रहे। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मी संघ का प्रांतीय महामंत्री मेरा नाम योगेश शरण है। मैंने इस धरने में आकर के समर्थन दिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ संयुक्त रूप से सब संयुक्त मोर्चा हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर, कि ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई जो खत्म हुए हैं ड्राइवर वाहन चालक, तो उनको 20 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए। आज लोग आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या मामला है? आज उत्तर प्रदेश वाहन चालक संघ यहाँ पर धरना दे रहा है और साथ में हमारे संगठन के पदाधिकारी योगेश शरण जी हैं और भी उनके जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष हैं। मेन हमारा उद्देश्य है, कल रात को एक ड्राइवर है विशाल दीक्षित, जो उसको रात में टैंकर लेकर भेजा गया, उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हो गई कि वो टैंकर के नीचे दब के एक्सपायर हो गया। तो अधिकारियों ने जब कोई सुध नहीं ली, तो अब हम लोग यहाँ बैठे हुए, जब तक उसको मुआवजा नहीं मिलेगा 20 लाख उसकी पत्नी को, उसकी नौकरी सरकारी, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है, हमारा पूरा ही नगर निगम परिवार यहाँ पर मौजूद है। ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ी लापरवाही अवश्य है, लापरवाही के कारण ही ऐसा हुआ है कि ये दुर्घटना जो हुई है वो लापरवाही के कारण ही हुई है। आज वाहनों की कुछ भी ऐसी स्थिति है, नगर निगम तो हो गया, नगर निगम हो गया बहुत अच्छा, या सुचकार ये वो तमाम वो चल रहा है, तमाम ड्रामा चल रहा है, परंतु सफाई कर्मचारी से लेकर इन कर्मचारियों की कोई जान की कोई कीमत नहीं है। एक मक्खी और मच्छर जैसा जो जीवन जी रहे हैं जो कर्मचारी यहाँ पर, वाहनों की ऐसी स्थिति है कि कभी भी कोई भी घटना घट सकती है और वही घटना घटी है।